आप देख रहे हैं TNB। प्रधानमंत्री के रूप में नए 2019 में 57 मंत्रियों के साथ अपना दूसरा कार्यकाल शुरू करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पहली बार केंद्रीय मंत्री परिषद में फेरबदल करने जा रहे हैं। आज शाम 6 बजे राष्ट्रपति भवन के अशोक हॉल में कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया जाएगा, जिसमें नए चेहरों को मोदी कैबिनेट में जगह दी जाएगी। मंत्रिपरिषद में विस्तार और फेरबदल की अटकलें उस समय और पुख्ता हो गई जब मंगलवार को केंद्रीय सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत को कर्नाटक का राज्यपाल नियुक्त कर दिया गया। इसके बाद तो कैबिनेट विस्तार और फेरबदल को लेकर चर्चाओं का बाजार भी गर्म हो गया। बता दें कि जिन मंत्रियों के नामों पर चर्चा चल रही है उनमें दिल्ली बुला लिया गया है। मौजूदा मंत्रिपरिषद में गहलोत सहित कुल 53 मंत्री हैं और नियमानुसार अधिकतम मंत्रियों की संख्या 81 हो सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर बुधवार सुबह से ही उन नेताओं और मंत्रियों का आना जाना जारी है जिन्हें आज कैबिनेट में जगह मिल सकती है। खबर है कि कैबिनेट विस्तार से पहले पीएम मोदी सभी संभावित मंत्रियों से बात कर रहे हैं। पीएम मोदी सभी मंत्रियों से बात कर उन्हें आगे की रणनीति समझाएंगे और बेहतर काम करने का मंत्र भी देंगे। कैबिनेट विस्तार से पहले कुछ अहम नेता जो पीएम मोदी के आवास पर पहुंचे हैं उनमें ज्योतिरादित्य सिंधिया, सर्बानंद सोनोवाल, भूपेंद्र यादव, अनुराग ठाकुर, मीनाक्षी लेखी, अनुप्रिया पटेल, अजय भट्ट, शोभा करंदलाजे, सुनीता दुग्गा, प्रीतम मुंडे, शांतनु ठाकुर, नारायण राणे, कपिल पाटिल और भी ऐसे कई सारे जो नाम हैं वो मंत्रियों की रेस में सबसे आगे चल रहे हैं और इनका मंत्री बनना लगभग तय माना जा रहा है। खबर के मुताबिक नए मंत्रियों के साथ ही कुछ कैबिनेट मंत्रियों के पिछले काम को देखते हुए उन्हें प्रमोट किया जा सकता है। जिन मंत्रियों को प्रमोट करने की बात चल रही है उनमें केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी और केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री पुरुषोत्तम रूपला का नाम शामिल है। आपको बता दें कि अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए भी कैबिनेट में कई मंत्रियों को जगह दी जा सकती है। इसके साथ ही बीजेपी ने अभी से 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव की तैयारी भी शुरू कर दी है। ऐसे में कैबिनेट विस्तार में युवा चेहरों को मौका दिया जा सकता है। सरकार की कोशिश होगी कि कैबिनेट के जरिए जातीय समीकरण को भी साधा जाए जिसका फायदा आगे आने वाले विधानसभा और लोकसभा चुनाव में मिल सके। खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताजा अपडेट्स के लिए लॉगिन करें www.thenationalbulletin.in पर।